Assalamu alaikum once again. Welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 28, course linear algebra. In this lecture we are going to detail talk on orthogonal sets. Orthogonal ka matlab hota hai perpendicular, yani ke agar aap u dot v hota hai is equal to u v cos theta, और अगर मैं परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, आपके पास एंगल 90 डिग्री होता है. अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो यू वी कॉस 90, कॉस 90 जीरो के बराबर होता है, तो ये आपका जीरो होगा. यानी कि अगर आपका यू डॉट वी जीरो आ जाए. अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा होता है यू और वी के दरमियान जो एंगल होता है. लेट्स सपोज दिस इज यू एंड दिस इज वी. अगर यू डॉट वी आप फाइंड आउट करें और जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि यू वैक्टर जो है वो वी के परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये बात तो होगी. और अभी हम दोबारा इसको देखते हैं थोड़ा सा कुछ. तो ऑर्थोगोनल सेट्स में अ सेट ऑफ वेक्टर्स यू वन टू यू पी इन आर एन इज सेट टू बी एन ऑर्थोगोनल सेट इफ ईच पेयर ऑफ द डिस्टिंक्ट वेक्टर्स फ्रॉम द सेट इज ऑर्थोगोनल, दैट इज यू आई आई कैन बी एनी नंबर डॉट यू जे जीरो, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, वेयर एवर वे जो है आई जो होगा वो जे के बराबर नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर आप दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो कभी भी जीरो नहीं होंगे. उनके दरमियान एंगल जो होता है वो जीरो डिग्री होता है. यू का यू वन का मैं यू वन के साथ ही लूँ डॉट प्रोडक्ट, तो यू वन अगर इस डायरेक्शन में तो यू भी तो इस डायरेक्शन में होगा. पॉसिबिलिटी यही है कि जो यू टू होगा वो शायद यू वन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो इस चीज को भी ऐसे करते हैं, खत्म करते हैं और अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ. सो एग्जाम्पल नंबर वन, उसमें वो कहता है कि शो दैट यू वन यू टू यू एन यू वन यू टू यू थ्री, ये तीन वेक्टर्स जो है ऑर्थोगोनल सेट है. ये इसको आप यू वेक्टर कह लें. वो कहता है कि ये प्रूव करें कि जो यू है ये ऑर्थोगोनल सेट है जो, और आपको यू वन की वैल्यू भी दी है. यू वन जो है आपके पास 3 डबल 1 है और U2 जो है आपके पास वो है -1 2 1 और U3 जो है -1 by 2 -2 और 7 by 2 है. कंसीडर 3 पॉसिबल पेयर्स डिस्टिंक्ट वेक्टर्स. अच्छा, इसके कितने पेयर्स बन सकते हैं? मुझे अगर साबित करना है कि यू एक ऑर्थोगोनल सेट है तो मुझे हर पेयर का डॉट प्रोडक्ट मालूम करके देखने का वो जीरो है या नहीं, यानी कि वो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं. तो एक पेयर हो सकता है यू वन और यू टू का, ठीक हो गया. एक पेयर हो सकता है यू वन और यू थ्री का, ये भी ठीक हो गया. और एक पेयर हो सकता है यू टू और यू थ्री का. ठीक है, तो मैं यू वन डॉट यू टू पहले फाइंड आउट करता हूँ. U1 dot U2 का ये 3 into minus 1 will get you minus 3, plus 1 into 2 will get you 1, plus 1 into 1 will get you 1. ठीक है, 2 plus 1 3 minus 3 ये 0, यानी कि U1 जो है U2 के perpendicular है. ठीक है, ये दोनों आपस में perpendicular है. अब मैं लेता हूँ U1 dot U3. ठीक है, तो 3 into minus 1 by 2 will get you minus 3 by 2 और plus लेता हूँ और ये आ जाएगा 1 into माइनस टू विल गेट यू माइनस टू, और जो ये आपके पास दूसरा है प्लस 1 इंटू 7 बाई 2, दिस विल गेट यू 7 बाई 2. अगर मैं इसको सारा एलसीएम लूँ तो देखते हैं क्या आता है. अगर मैं एलसीएम लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 2 है, दैट विल गेट यू -3. ठीक है, ये जो जीरो अभी लिखा है इसको रिमूव कर देते हैं. ठीक है, -3 बाई 2 और फिर इसका ये -4 और ये +7. ठीक है, और एलसीएम 2 हो गया. ठीक है, तो ये 7 -7 विल गेट यू 0, 0 बाई 2 समथिंग ओवर 0 समथिंग ओवर जो है ये भी 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यू वन और यू थ्री भी आपस में परपेंडिकुलर है. अब एक चीज रहेगी यू टू डॉट यू थ्री. ठीक है, तो -1 into 1 बाई 2 विल गेट यू 1 बाई 2 और +2 into -2 विल गेट यू -4 +1 into 7 बाई 2 विल गेट यू 7 बाई 2. अब मैं इसका दोबारा एलसीएम लूँ अगर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 एलसीएम है 1 -8 +7 / 2. ठीक है, 7 + 1 = 8, 8 - 8 0 और / 2 ये भी 0, यानी कि यू टू और यू थ्री भी आपस में, यानी कि हमने इस
सेट को भी चेक कर लिया, इस सेट को भी चेक कर लिया, इस सेट को भी चेक कर लिया, ये तीनों सेट परपेंडिकुलर है आपस में, सो वी कैन से दैट यू इज एन ऑर्थोगोनल सेट। अच्छा आगे एक थ्योरम है, अच्छा ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर इज ऑर्थोगोनल एंड सो यू वन यू टू इज एन ऑर्थोगोनल सेट। अब हम जाते हैं थ्योरम की तरफ, ठीक है। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि अगर आपका कोई सेट है एस, उसके अंदर आपके पास वेक्टर्स हैं यू वन टू यू पी, इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन आर एन, दिस सेट दिस एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड हेंस एस इज द बेसिस फॉर द सबस्पेस स्पैन्ड बाय एस। ठीक है, समझ आ रही तो ठीक है, नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात। फिर एक डेफिनेशन आपके पास आ जाती है, उसके अंदर है एन ऑर्थोगोनल बेसिस, एन ऑर्थोगोनल बेसिस, फॉर अ सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ आर एन is a basis for W, that is also an orthogonal set. ठीक है, वो भी an orthogonal basis for a subspace W of Rn is a subspace for W that is also an orthogonal set. वो भी जो उसका span करती होगी ये basis है, वो भी एक orthogonal set होगा। अच्छा अगला theorem, उसमें वो कहता है कि let U1 to UP कोई सेट है जिसमें वेक्टर्स हैं यू वन टू यू पी, ठीक है, बी एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर अ सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ आर एन फॉर ईच वाई इन डब्ल्यू द वेट्स इन द लीनियर कॉम्बिनेशन वाई इज इक्वल टू सी वन यू वन प्लस अप टू सो वन एंड प्लस CP NP are given by CJ is equal to Y dot UJ divided by UJ dot UJ, ठीक है, where J is equal to from 1 to P। अच्छा इस बात के लिए परेशान नहीं होना, एग्जाम्पल करेंगे तो वहां आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या हमें फाइंड आउट करना है और कैसे करना है। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। Now there is an example to एग्जाम्पल टू जो है, सेट एस इज इक्वल टू यू वन यू टू यू थ्री अच्छा चले यहां पे आपके पास लिमिटेड नंबर सेट्स हैं, यू वन यू टू यू थ्री इन एग्जाम्पल वन जो थे वही इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर आर क्यूब एक्सप्रेस वेक्टर वाई इज इक्वल टू 6, 1 and minus 8 as a linear combination of the vectors in S, ठीक है? आपने इनका linear combination की तौर पे इन्हें लिखने हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, the set S1 example 1, अच्छा वो set भी लिख लेते हैं, U1 जो था, वो आपके पास क्या था? 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, ठीक है? और U2 जो आपके पास था, वो था minus 1, 2, 1, और U3 जो था आपके पास वो था माइनस वन बाय टू माइनस टू एंड सेवन बाय टू, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स थे। अब मैं जब इन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूं तो वो मेरे पास आता है y डॉट u1, ठीक है, ये क्या होता है, y आपको भाई है 6 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू वन प्लस माइनस 8 इंटू वन, ठीक है, ये आ जाएगा 6 थ्री जार 18 18 प्लस 1 19 19 माइनस 8 विल गेट यू 11, ठीक है, y डॉट u2 अगर मैं लूं तो ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस माइनस 8 इंटू 1, ठीक है, ये माइनस 6 प्लस 2 विल गेट यू माइनस 4 एंड माइनस 8 विल गेट यू माइनस 12,
अब जो ये वाई डॉट यू थ्री है ये हो जाएगा 6 × −1/2 ठीक है, प्लस 1 × −2 और प्लस जो है ये आपके पास −8 × 7/2 ये आपके पास आ जाएगा 2 × 2 = 6 −3 और −2 −5 और ये −4 −28 −28 और −5 विल गेट यू −33 ठीक है। अच्छा अब जो है मैं अगर u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं ठीक है और इसी तरह u2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, u3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, यानी कि इन्हीं की 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या आपके पास 11 हो जाएगा ये भी ठीक है, और ये वाला आपके पास जो है u2 का अगर इसी तरह आप निकालें 6 × 36 और 36 + 1 अच्छा u2 के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो u2 का ठीक है 1 का स्क्वायर है −1 का स्क्वायर 1 4 और 1 6 ठीक है, और दूसरे का जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस 4 ठीक है, ये स्क्वायर्स मैं लेके लिखता हूँ 1/4 प्लस 4 और प्लस 49/4 ठीक है, और जब मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 1 प्लस एलसीएम हो गया 16 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4 तो 50 और 16 कितना होता है 50 एंड 16 विल गेट यू 66/2 और ये आपके पास आ जाएगा 30 ये 66/4 और ये 33/2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा आपने ये हमने क्या करना था सेट S इज इक्वल टू U1 U2 U3 इन एग्जांपल 1 इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर RQ एक्सप्रेस Y एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ठीक है, ऊपर हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस के लिए एक ये वाला फार्मूला पढ़ा CJ इज इक्वल टू Y डॉट UJ डिवाइडेड बाय UJ डॉट UJ ठीक है, ये अब देखते हैं इस चीज को ठीक है, तो हमने ये चीजें फाइंड कर ली है आगे अभी जो काम है ना ये वाला जो ये CJ वाला एक्सप्रेशन था इसको अभी आप रहने थे ठीक है, थोड़ी सी अगली डिस्कशन करते हैं फिर इसकी तरफ आते हैं, बल्कि इसी एग्जांपल में हम कर लेते हैं ठीक है, तो वो लीनियर कम्बिनेशन अब किस तरह से लिखना है मैं इस सारे को इरेज करता हूँ ठीक है, वो लीनियर कम्बिनेशन इस तरह होना था वाई इज इक्वल टू टोटल वाई का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो इस तरह वाई डॉट यू वन ओवर यू वन डॉट यू वन इंटू यू वन ठीक है प्लस वाई डॉट यू टू डिवाइडेड बाय यू टू डॉट यू टू इंटू यू टू वाई डॉट यू थ्री डिवाइडेड बाय यू थ्री डॉट यू थ्री इंटू यू थ्री ठीक है, ये लीनियर कम्बिनेशन में अब हमने y को इन टर्म्स ऑफ u के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा, आपने y डॉट u1 निकाला था जो कि 11 था और u1 डॉट u1 भी 11 था और u1 आपके पास एक अलग वेक्टर था, चले उसे फिलहाल आप ऐसे करें u1 ही लिख लें ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है हमने y को इन टर्म्स ऑफ u1 लिखना ठीक है, प्लस y डॉट u2 आपके पास था −12 और u2 डॉट u2 था ये आपके पास आ जाएगा 6 ठीक है और u2 अपनी जगह प्लस y डॉट u3 ओवर u3 जो है ये आपके पास आ गया −33 और इधर आपके पास डिवाइडेड बाय 33/2 ठीक है, तो और ये 7 u3 अच्छा ये 11 11 से कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 u1 ठीक है और ये −2 u2 और ये अगर 33 33 से कट गया 2 ऊपर जाएगा ये −2 u3 ये मैंने y को ना इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3 वेक्टर्स में लिख दिया है ठीक है, तो अगला है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात वो कुछ कर रहा है उसको देखते हैं, तो रेस कितने इसको और एनऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एनऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में क्या है कि
लेट्स सपोज एक एक्सप्रेशन है, ये इसे इक्वेशन वन आप कह सकते हैं, और ये जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है ये आपके पास अल्फा यू के बराबर है। यहाँ पे एक अल्फा जो है ये एक स्केलर है, ठीक है, और जो एक जेड जो है, और लेट कहने के जो जेड है ना वो वाई माइनस अल्फा यू है, ठीक है, यानी के, और ये y माइनस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस y स्टेरिक, ठीक है, यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक है, z, अच्छा, y इंटू y के ऊपर हैट है, इसे आप यूनिट वेक्टर टाइप कह सकते हैं, प्लस z, और y हैट इज इक्वल टू अल्फा u, और अल्फा स्केलर है, तो z जो है वो आपका y माइनस अल्फा u, और जिसे आप y माइनस y हैट भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सो दैट वन इज सेटिस्फाइड, देन y माइनस y हैट is orthogonal to u if and only if, ठीक है, y जो है वो u के orthogonal है, y minus y hat u के orthogonal है, if and only if y minus y hat का मैं dot product लूँ u के साथ तो मुझे zero मिले। अगर मैं y hat की value put कर दूँ y minus y hat किसके बराबर है, alpha u dot u करूँ तो ये भी zero के बराबर, ठीक है, तो अगर इसी expression से मैं इसको थोड़ा सा और करूँ तो ये हो जाएगा y dot u माइनस अल्फा इंटू यू डॉट यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो आप इस तरह भी कह सकते हैं, और फिर मैं लिख सकता हूं इसी एक्सप्रेशन को इसी राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूं जीरो इज इक्वल टू वाई डॉट यू और माइनस अल्फा इंटू यू डॉट यू, ठीक है, तो इसके बाद दैट वन इज सेटिस्फाइड विद जी ऑर्थोगोनल टू यू एंड ओनली इफ z इज ऑर्थोगोनल होगा, अब मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा जो है वो कुछ इस तरह से होगा y डॉट u डिवाइडेड बाय u डॉट u, ठीक है, इनटू u, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल के लिए द वेक्टर y ये हैट, द वेक्टर y हैट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, एग्जाम्पल कहेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन टू यू, ठीक है, वाई ऑन टू यू, अच्छा तो ये, अच्छा एक मिनट, ये जो अभी हमने लिखा ना वाई माइनस वाई हैट डॉट यू, इसका मतलब ये भी है कि ये हम जेड इज परपेंडिकुलर टू यू, ठीक है ना, क्योंकि वो जीरो के बराबर है, और जेड किसके बराबर है, वाई माइनस वाई हैट के, तो y हैट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y की u वेक्टर के ऊपर, ठीक है, और यानी के y का वो y वेक्टर का वो कंपोनेंट है y हैट जिसका मैं u के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लूं तो वो मुझे जीरो देगा, ठीक है, उसके बाद यानी के अगर मैं इसको रेज करता हूं सारा और दोबारा थोड़ा सा लिखते हैं, तो y हैट जो है वो बेसिकली प्रोजेक्शन है of y onto u, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे है y dot u over u dot u, ठीक है, और अच्छा एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, ओके, तो एग्जाम्पल में वो कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है y दैट इज 7 6 और एक u वेक्टर है 4 2, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y फाइंड करनी है ऑन टू यू, ठीक है, यानी कि हमें y हैट फाइंड करना है, द राइट देन राइट y एज द सम ऑफ द ऑर्थोगोनल वेक्टर वन इन स्पैन u एंड वन इन ऑर्थोगोनल टू u, ये हम देख लेते हैं इस तरह से, यानी कि वो कहता है कि आपको पहले तो एक y डॉट u फाइंड कर लें आप, That is 7 into 4 plus 6 into 2, ठीक है, ये हो गया 7 for the 28 plus 6 to the 12, 12 or 28, that will get you 40, ठीक है, और उसके बाद u dot u, 4 का square 16 और plus 2 का square 4, तो ये आपके पास 20, ठीक हो गया, अच्छा,
ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन टू यू वाई हैट होती है, वाई हैट का फार्मूला मैंने आपको बताया, वाई डॉट यू डिवाइडेड बाई यू डॉट यू, ठीक है, इंटू यू वैक्टर, क्योंकि हमें यू के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाई डॉट यू आपके पास 40 था, यू डॉट यू 20 था, अब इसके साथ अगर मैं यू वेक्टर 4 और 2 को करता हूँ, ठीक है, ये आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ से ये जो है 8 और 8 और 4, ठीक है। अच्छा, ये वाई की प्रोजेक्शन आ गई यू पे, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ वाई ऑर्थोगोनल टू, ये भी प्रोजेक्शन आई है, ठीक है। अब मैंने वाई का वो कंपोनेंट निकालना है जो यू के ऑर्थोगोनल आएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ वाई, ये भी प्रोजेक्शन निकली है ऑर्थोगोनल टू यू, ठीक है। वो किस तरह होगा, वो ये वाला आपका कंपोनेंट है जेड वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। तो वाई आपके पास क्या है 7 और 6, और वाई हैट क्या है 8 और 4, ठीक है। और ये जो अब आया ना, 7 माइनस 8 विल गेट यू माइनस 1 एंड 6 माइनस 4 विल गेट यू माइनस 2, 6 माइनस 4 विल गेट यू 2। अब ये जो जेड है ना वेक्टर, ये वाई का वो कंपोनेंट है जो यू के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो अगर मैं इस जेड का डॉट प्रोडक्ट लूं यू के साथ तो जीरो आना चाहिए, सो जेड डॉट यू इज 4 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 4 प्लस 4, और ये आपके पास जीरो आ गया, ये चीज हमने देख ली, ठीक है। और इसके बाद आपके पास, अच्छा, अगर मैं अब वाई को एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू वाई हैट प्लस वाई माइनस वाई हैट, क्योंकि ये एक डिफरेंस होता है वाई और वाई हैट के दरमियान, वो वाई हैट के अंदर जब ऐड होगा तो हमें वो एक्चुअली दोबारा वाई दे देगा। इन अबव कैलकुलेशन अकरेक्ट देन वाई हैट एंड वाई माइनस वाई हैट, अगर सारी अबव कैलकुलेशंस करेक्ट हैं तो ये दोनों भी एक ऑर्थोगोनल सेट है, वाई हैट और वाई माइनस वाई हैट। यानी कि आप ये देखें, अगर मैं वाई और का डॉट प्रोडक्ट लूं वाई माइनस वाई हैट के साथ, यानी कि वाई का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं जेड के साथ, तो वो क्या आएगा 8 इंटू, चले वाई हमारे पास है 7, ठीक है, नहीं हमें लेना है वाई, सॉरी, वाई हैट का और वाई माइनस वाई हैट का, यानी कि वाई हैट डॉट जेड का, ठीक है। वाई हैट और जेड का कि मैं डॉट कंपोनेंट लूं तो ये मेरे पास आ जाता है माइनस 1 इंटू, और सॉरी ये आएगा आपके पास पहले 8 आता है, ठीक है, प्लस 8 वाई हैट का और ये माइनस 1 जेड का, ठीक है, फिर प्लस 4 और ये 2, ठीक है, ये आपका माइनस 8 प्लस 8, ये आपके पास इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी आपस में इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस इन फिगर 3 फ्रॉम वाई टू एल, प्रोजेक्शन जो हमने फाइंड की थी, यानी कि वाई माइनस वाई हैट का आपको ये इस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वाई माइनस वाई हैट आपके पास बेसिकली क्या आया था, दैट वॉज माइनस 1 और 2 था, तो आपको, यानी कि मेरे पास वाई माइनस वाई हैट है, ठीक है, ये आपके पास था माइनस 1 और 2। अगर मैंने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट और पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 4, और ये आ जाएगा अंडर रूट 5 के इक्वल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने ऑर्थोगोनल सेट की बात की, अभी हम बात करेंगे ऑर्थो नॉर्मल सेट की, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल सेट। अच्छा, ऐसे करते हैं, ऑर्थो नॉर्मल सेट को हम नेक्स्ट सेशन के लिए रख लेते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। सो फिर उसके बाद आगे शायद दोबारा थोड़ी सी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।